जाने दीजिए, बहुत काम है। राजप्रियताइन के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए ना, बहुत काम है। छोड़ो ना काम को। छोटी बहू। माँ जी। लाल डब्बे में रखा है पिस्ता। जी माँ जी। अच्छा सुनो, दान के लिए कलश भी तो चाहिए होंगे। मिश्रा जी आए थे ना कुछ कलश लेकर। जी माँ जी, तांबे के 21 कलश आए हैं, मैंने रखवा दिए हैं। चलो ठीक। छोटी बहू, मिठाई। अब जी मेज पे रखवा दीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है छोटी बहू। तुम्हारे पास तो मेरे लिए थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसी बात नहीं है, अब देखिए ना कितना सारा काम है। और फिर छोटी बहू, अरे माधव, छोटी बहू कहाँ है, देख तो। मैं बस दो मिनट। जी दादी माँ। छोटी बहू देखो, वो रतन जी की दुकान से कोई आएगा कपड़े लेकर, जरा देख लेना। और हाँ, शांतनु के लिए एक अच्छा सा कुर्ता ले लेना। जी दादी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे सुनो छोटी बहू, चाय अब मेहमानों को पिला दीजिए ना। अरे मंजुनाथ, जरा वो ट्रस्ट की चेकबुक तो लेकर आना। तुम्हारे पास का कम काम है, जो लोग तुम्हें और काम दे रहे हैं। आप भी ना। छोटी बहू, मिली कि नहीं? जी भैया। छोटी बहू, आज दोपहर 2 बजे कुछ लोग तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। मुझसे मिलने के लिए? हाँ, नारी संस्था के लोग। उन लोगों से राजपुरोहितायन को ही मिलना होता है। उस ट्रस्ट के सभी कागजों पर तुम्हें ही हस्ताक्षर करने होंगे। मैं कर दूंगी भैया, आप चाहिए मैं आ जाऊंगी। हाँ ठीक है। मंजुनाथ, वो चेकबुक लेकर मेरे पास आ जा। तुम्हारे सिर पर तो सही में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ऐसी बात नहीं है, मैं सबसे पहले आपकी पत्नी हूँ, उसके बाद इस घर की छोटी बहू, और फिर एक राजपुरोहिताई। आप मुझसे नाराज हो जाएंगे तो मैं। राधिका, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतनी सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद तुम मुझसे प्यार कर पाती हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अब माँ को फोन करना है, मैं अभी आई। हेलो माँ। राधे राधे। राधिका माँ, कैसी हैं आप? और बाबूजी कैसे हैं? वो हाँ बिटिया, हम सब यहाँ ठीक हैं। तू बता, तू कैसी है? तेरे घर वाले कैसे हैं? माँ सब ठीक है, आज हमारे घर में अनुष्ठान है, आप सबको उसके लिए आना है। अनुष्ठान? कैसा अनुष्ठान बिटिया? माँ, आज 28 साल बाद इस घर को उनका बेटा मिला है। क्या? माँ, शांतनु जी इस घर के बेटे हैं। माँ, वो हुआ ऐसे कि पर एक बात कहूं बिटिया, अगर शांतनु के मन में कभी स्कूल का विनाश करने का विचार आया था तो आज परिवार के द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद ये विचार अपने आप चला जाएगा
ये आवश्यक नहीं। तू समझ रही है ना बिटिया मैं क्या कह रही हूँ? बिटिया एक स्त्री ही अपने कुल की रक्षा कर सकती है, इसलिए बिटिया तुझे तुझे शांतनु को समझा कर रखना होगा। हाँ माँ, आज अनुष्ठान के बाद सबकी शिकायतें मिट जाएंगी। बाबूजी आएंगे ना? मैं उनसे बात करूंगी। माँ मैं जानती हूँ बाबूजी मुझसे नाराज भले ही हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। ठीक है बिटिया, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तू अपना ध्यान रखना और मैंने जो कहा है उस बारे में सोचना। जी माँ। आइए राधिका जी, कहिए राजपुरुताएं क्या हुकुम लेकर आई हैं? आप दोपहर 12 बजे घर पर ही होंगे। जी हाँ, क्यों? वो रतन जी की दुकान से कुछ कपड़े आने वाले हैं, तो आप भी उसमें से अपने लिए कुछ पसंद कर लीजिएगा। पर ये काम तो दादी माँ ने आपको दिया है। आपको, आप हमारी बातें सुन रहे थे? क्या करता, और कोई काम भी तो नहीं था। एक बात पूछूं? दो पूछिए। आप जब इस घर में आए थे, आप विनाश की भावना लेकर आए थे। आपके दिल में बहुत घृणा और आक्रोश था, पर अब सबने आपको अपना लिया है और अब आप हमारे परिवार में विधिवत रूप से शामिल भी होने वाले हैं। इस घर में बसे प्यार और इस घर की पवित्र हवा में क्या आपका मन शांत हो गया है? क्या आपकी सब शिकायतें दूर हो गई हैं? आप अभी किसी से नफरत तो नहीं करते ना? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप डर रही हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरे होते हुए मेरे घर का बुरा कोई नहीं कर सकता। मैं अपने घर के सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। वो तो देख ही रहा है। अगर आप मेरे घर के मूल्य और संस्कारों का सम्मान करेंगे तो आपके दिल को बहुत शांति मिलेगी। राधे राधे। राधे राधे। कल सारे समाज के सामने परिवार मुझे अपनाने वाला है। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया है। मैं कुल विनाशक हूं राधिका जी। बहुत खुश नसीब हूं जो मुझे आप जैसे पति मिले हैं। जब तक आपका साथ मेरे साथ है, मुझे कोई भी दुख, कोई भी दर्द छू नहीं सकता। चरणों में मेरी जगह सदा बनी रहे, यही मांगती हूं अपने गाना से।
बस अभी जागा हूँ, पर उठूंगा नहीं। क्यों? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम जिंदगी भर मुझे चूम के उठाओगी, तुम भूल भी गई? छोड़िए, सब लोग आरती के लिए इंतजार कर रहे हैं। पूजा करनी है ना, आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। चलिए। ऐसे क्या निहार रहे हैं, जल्दी से उठिए ना। मन कर रहा है कि ये पल यहीं थम जाए, पर मैं तुम्हें ऐसे ही देखता ही रहूं। हम इन पलों में इतना प्यार भर देंगे कि हमें प्यार की कभी कमी महसूस नहीं होगी। झलक एहसास है, ये सजा भी है, ये सुकून भी। तेरी हर आज तुम्हारा श्रृंगार मैं करूंगा। ये सजा भी है, ये सुकून भी। कभी लब पे आके ये रुक गया, कभी बन गया ये जुनून भी। तेरी हर झलक कहती है सब, तू कहे मुझे या ना कहे, तू पहुंच गया मेरी रूह तक। आज आपको क्या हो गया? पता नहीं, पर एक पल के लिए भी तुम्हें अपनी आंखों के सामने से दूर करने का मन नहीं कर रहा। अरे भैया, तैयार नहीं हुए अब तक? भौजी, सब पूजा के लिए नीचे बुला रहे हैं, जल्दी आ जाइए। जी, हम आ रहे हैं। छप जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। देखिए, हमारा सब इंतजार के जाइए ना। क्या हुआ? ये रंग नहीं, मैं आज तुम्हें लाल रंग की साड़ी में देखना चाहता हूँ। आपको जो रंग पसंद है मैं वही रंग पहनूंगी। अब आप जल्दी से जाइए और तैयार हो जाइए। मैंने आपकी बात मानी ना, अब आप मेरी बात मानिए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। भाभी जी, अभी देरी किस बात का है, आरती शुरू कीजिए। चलिए। हाँ, शुरू करते हैं, शांतनु का इंतजार कर रहे हैं। उनको कहाँ मालूम है समय पे आरती शुरू करने का महत्व? एक दिन में कौवा थोड़ी हंस बन जाएगा। रहने दीजिए सुशील भैया, शांतनु आ गया है। आ बेटा। देव, शांतनु को पहले आरती करने दो।
राधे गोविंद गोपाल राधे 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 राधे गोविंद गोपाल कर लो आरती देव इस घर में ये तुम्हारी आखिरी आरती है। बोलो कुंज बिहारी राधे श्याम की जय। चलो नाश्ता लगवाती हूँ मैं अब। माँ नाश्ता करने से पहले आज के समारोह की तैयारियां जो अधूरी रह गई हैं उनके बारे में चर्चा कर ले। सब लोग यहीं पर हैं और कितना कम समय रह गया है। समय कम नहीं बहुत कम है। 7 बजे से काल का चौघड़िया है। हमें 4 बजे पूजा शुरू करनी होगी। अरे तो फिर हम लोग समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं। चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ। आमने नाली तुम भी। चलो बिरजू हलवाई की सारी जिम्मेदारी तुम संभाल लो। आप सब जश्न की तैयारी कीजिए। मैं आपकी बर्बादी की तैयारी करता हूं। सुनिए जी मैं आपसे ही मिलने आई थी। वो पहले मंदिर गई तो वहाँ पता चला कि आप तिवारी जी के घर पूजा करवाने आए हैं तो यहाँ चली आई। लाइए मैं आपका झोला पकड़ लेती हूँ। क्या प्रयोजन है मुझसे? जी राधिका का फोन आया था। पुरोहित सदन में बहुत बड़ा उत्सव है तो राधिका चाहती है कि हम दोनों भी उसमें सम्मिलित हों। मैंने राधिका से कह दिया है जी कि आप अवश्य आएंगे। पुरोहित परिवार का सालों से खोया हुआ बेटा वापस मिल गया है शांतनु। शांतनु क्या हुआ जी आप अचानक से इतने चिंतित क्यों हो गए? पुरोहित परिवार में सब लोग बहुत खुश हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। शांतनु का नाम सुनकर मन विचलित हो रहा है। ये आया था मंदिर मुझसे भेंट भी हुई थी परंतु उस समय तो उसने कोई उल्लेख नहीं किया कि वो पुरोहित परिवार से संबंधित है। उसका वर्षों पुराना पुत्र होना समारोह मन में आशंकाएं उठ रही हैं। सलाम सरकार। कहिए कैसे याद किया इस नाचीज को? तुम्हें और किस काम के लिए याद किया जाता है? समझ गए क्या करना है? आप बस नाम बताइए सरकार। देवराज पुरोहित।